ठीक है, अब आपका रूम आएगा अभी। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम आपको कक्षा 4 में आज बताएंगे संस्कृत के अंतर्गत द्वादशा पाठा वर्षा या ऋतु। वर्षा ऋतु के विषय में इस पाठ में वर्णन आता है, तो आपको जो है अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पुस्तक में आप देखते जाइए। और मैं सबसे पहले अनुवाद करूंगा संस्कृत से हिंदी में, तो आप अपनी पुस्तक से मिलान करके और देखते जाएं। हाँ, द्वादशा पाठा वर्षा या ऋतु, तो भारते कदाचित अति शीतम, कदाचित प्रचंड आत्मा, कदाचित वर्षा एव वर्षे खड ऋतवा भवन्ति। कभी हमारे देश में अधिक वर्षा, अतीव शीतम कभी अधिक ठंडी, और कभी अधिक गर्मी, कदाचित प्रचंड आतपा अधिक गर्मी, कदाचित वर्षा और कभी अधिक वर्षा होती है। हमारे देश में अधिक गर्मी होती है, कभी अधिक वर्षा होती है और कभी अधिक ठंडी होती है। तो इस तरह से हमारे देश में मौसम बदलता रहता है। अब हमारे देश में एक वर्ष में आगे दिया गया है वर्षे खड ऋतुआ भवंती, वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। खड ऋतुआ भवंती, वर्षे खड ऋतुआ भवंती। श्रावणे भाद्रपदे चा वर्षाया ऋतु भवति। श्रावण के महीने में और भाद्रपद के महीने में वर्षा होती है। इन महीनों में खास करके अधिक वर्षा होती है। हाँ, तो श्रावणे भाद्रपदे वर्षाया ऋतु भवति। श्रावण और भाद्रपद के महीने में अधिक वर्षा होती है। इस तरह से वर्षा काले आकाशे, वर्षा काल में वर्षा के समय आकाश में चारों ओर क्या दिखाई देता है? श्याम मेघा गर्जन्ति। श्याम माने
काले काले मेघ बादल गरजते हैं, श्याम मेघा गर्जंती, बने मयूरा नृत्यंती, और जंगल में मोर नाचते हैं नृत्यंती, जंगल में मोर नाचते हैं, वने मयूरा नृत्यंती, और श्याम मेघा गर्जंती, काले बादल गरजते हैं। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। आ रही है? यस सर। हाँ, तो श्याम मेघा गर्जंती, बने मयूरा नृत्यंती, और मांडूका शब्दम कुर्वंती, मांडूका माने मेढक जो है अपनी जोर जोर से सर सर की आवाजें करते हैं, मांडूका माने होते हैं मेढक। जैसे ही बरसता है पानी तो फिर जहां पर पोखरों में गड्ढों में पानी भर जाता है तो उसके आसपास चारों ओर मेढक मेढकों की ध्वनि सुनाई देती है। मांडूकः शब्दं कुर्वन्ति, सर्वाः नद्याः वेगेन वहन्ति, सभी नदियां वेगेन माने तेजी से, वहन्ति माने बहती हैं, सभी नदियां तेजी से बहती हैं। जब अधिक वर्षा होती है तो खेतों का मैदानों का पानी नालों में पहुंचता है और नालों का पानी नदियों में पहुंचता है तो तेजी से जो है नदियां बहने लगती हैं। सर्वे नद्या वहंती आम्र फलानि पक्वानि तथा जम्बू फलानि स्वादून भवंती, आम के फल पकते हैं, आम्र फलान पकवान आम के फल पक जाते हैं, और जामुन के फल जम्बू फलान स्वादोन भवंती, और जामुन के फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, स्वादोन भवंती, क्षेत्राणाम पर्वतानाम चादृश्यम मनोहरम भवती, क्षेत्राणाम माने मैदानों में खेतों में पर्वतों में पहाड़ों में क्या होता है, पर्वतों में पहाड़ों में दृश्य कैसा हो जाता है, दृश्य मनोहर हो जाता है, सुंदर हरा भरा हो जाता है, तो चारों ओर से हरियाली छा जाती है, मनोहरम भवती। ऋतुवा मनोहरम भवति, वहवा प्रसिद्धा उत्सवः भवन्ति, और इस वर्षा ऋतु में बहुत से प्रसिद्ध त्योहार उत्सव माने होता है त्योहार होते हैं, जैसे रक्षाबंधन इत्यादि, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, और ये श्रावण के महीने में होता है, तो बहुत से और कृष्ण जन्माष्टमी, तमाम त्योहार वर्षा ऋतु में होते हैं। उत्सवाः भवन्ति, उत्सवेषु अस्माकं संस्कृति ही
प्रतिबिंबिता भवति उत्सवेषु। उत्सवों के समय माने त्योहारों के समय हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की जो प्राचीन संस्कृति है, उत्सवेषु अस्माकं संस्कृति प्रतिबिंबिता भवति। हमारी जो संस्कृति है वह झलकती है, संस्कृति हमारी झलकती है और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तमाम तरह के हमारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और हर तरह से चारों तरफ उल्लास फैल जाता है, लोग आनंदित होते हैं। प्रतिबिंबिता भवति वर्षा सर्वस्मयी रोचते, वर्षा सभी को अच्छी लगती है, वर्षा सभी को बहुत सुंदर लगती है, वर्षा ऋतु सबको प्यारी लगती है क्योंकि पानी से ही सब कुछ है। वर्षा सर्वस्मयी रोचते, वर्षा सर्वान जनान प्रीणयति, वर्षा सभी लोगों को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। वर्षा में सभी लोग आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब बच्चों कुछ रिक्त स्थान, पहले शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों में आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास अभ्यास पुस्तिका है तो आप देख करके भी लिख सकते हैं और कुछ में आप आपके सामने लिखवा रहा हूं। आपका, आपका माने आप जानते हैं, धूप होता है, आपका माने क्या होता है, धूप। श्याम मेघा, श्याम मेघा, श्याम माने होता है काले, श्याम मेघा, मेघा माने बादल। श्याम मेघा पर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, माने होता है काले बादल। काले बादल श्याम मेघा खड़ ऋतुआ लिखा हुआ है। खड़ ऋतुआ यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, छह ऋतुएं होता है इसका मतलब। खड ऋतुआ ऋतुएं छह ऋतुएं फिर है मन को कहा, मंडू का माने होता है मेधा।
मन्नू का मन मेघा नव्या नद्या माने नदिया नदिया जम्बू जम्बू माने होता है जामुन जामुन सर्वस्मय माने होता है सभी के लिए सभी के लिए और त्रिनियति माने होता है प्रसन्न करती है इस तरह से बच्चों ये जो है वर्षा ऋतु के कुछ शब्दार्थ हैं। अब आगे है बच्चों नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। पहला प्रश्न है का नंबर पहले का वर्षे खट ऋतुआ भवंती वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। वर्षे माने वर्ष में और खट ऋतुआ माने छह ऋतुएं और भवंती माने होती हैं। भवंती माने होती हैं। इस तरह से वर्षे खट ऋतुआ भवंती आकाशे श्याम मेघा गर्जंती आकाश में माने आसमान में श्याम मेघा माने काले बादल श्याम मेघा काले बादल गर्जंती माने गरजते हैं या ध्वनि करते हैं। श्याम मेघा गर्जंती गरजते हैं। ग नंबर है नद्या बेगैन बहंती नद्या माने नदियां बेगैन माने तेजी से बहंती माने बहती हैं। नदियां तेजी से बहती हैं। नद्या बेगैन बहंती और घ नंबर है वर्षा जनान त्रिनयति वर्षा सभी को क्या करती है आनंदित करती है प्रसन्न करती है। त्रिनयति वर्षा मनुष्यों को क्या करती है प्रसन्न करती है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे ये हिंदी में अनुवाद था अब है संस्कृत में अनुवाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं का नंबर दूसरे का मेढक आवाज करते हैं
मंडूका शब्दम कुर्वन्ति, हिंदी में है मेढक आवाज करते हैं तो मंडूका शब्दम कुर्वन्ति। हा नंबर है खेतों का दृश्य सुंदर होता है, क्षेत्राणाम दृश्यम मनोहरम भवति या सुंदरम भवति, कुछ भी लिख सकते हैं, मनोहरम लिख सकते हैं या सुंदर लिख सकते हैं। वर्षा में नदियां बहती हैं, वर्षायाम नद्या बहन्ति, वर्षायाम नद्या बहन्ति। फिर है श्रावण में वर्षा होती है, श्रावणे वर्षा भवति, श्रावणे वर्षा भवति। या आप श्रावण मासे लिख सकते हैं, श्रावण महीने का नाम है, श्रावण मासे वर्षा भवन्ति, वर्षा भवति है। मोर नाचते हैं, मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, मयूरा नृत्यन्ति। ये बच्चों आपके अनुवाद हो गए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब आपको मैं जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है, तीसरा इसकी जोड़ी आप मिला सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं। खर श्याम बेगैन, जोड़ी मिलाना। जिसमें है पहले खड़ लिखा हुआ है, खड़ श्याम पांडे, फिर लिखा है श्याम बेगैन, श्याम वेगन, और कोई नहीं आया, हम दोनों को गया। वेगन के बाद है सिद्धार्थ सर्वस्मय, दोनों हो गया। प्रांशु पटेल कहाँ है? उसके पास न्यू आईडी नहीं है। सिद्धार्थ के बाद सर्वस्मयी, सर्वस्मयी फिर है स्वादोन, स्वादोन। और दूसरी तरफ है बच्चों मेघा भवन त्रिद्वा, मेघा भवन त्रिद्वा, उस्मा
वह किरदार है पहाड़ की। अब आपको जोड़ी मिलाना है तो ये बेकैन को मिलाना है मिलाना है वैसे ये आपके जोड़ी मिलाना हो गए। अब है आपको आगे देखिए चौथा प्रश्न नीचे लिखे शब्दों के विभक्ति एवं वचन, विभक्ति एवं वचन बताइए। यहाँ शब्द है ऋत्वा, ऋत्वा में विभक्ति आप जानते हैं प्रथमा विभक्ति है क्योंकि सीधा सीधा शब्द है ऋत्वा प्रथमा और ऋत्वा में है ये बहुवचन है। वर्षा या हमें होगा षष्ठी और षष्ठी षष्ठी एक वचन क्षेत्रानाम है, क्षेत्रानाम में है तृतीय विभक्ति है और एक वचन उस्वेषु सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन सर्वस्मयी में चतुर्थी है, एक वचन। इस तरह से बच्चों ये आपकी विभक्ति है। और अब मूल अब दिया गया है निम्न क्रिया पदों में मूल धातु लकार पुरुष एवं वचन बताइए। यहां पर आप देखते हैं क्रिया पद में लिखा है भावती, भावत में भू धातु होता है, भावती माने होना होता है बच्चों, और इसमें धातु है भू, इसकी लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है गर्जंती, गर्जंत में गर्ज मूल धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है नृत्यंती माने नृत्य है, मूल धातु और इसमें क्या है लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। पूर्वंती त्र धातु लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, नहीं बहुवचन, एक वचन नहीं है बच्चों बहुवचन है। फिर है रोचते, रुच धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। इस तरह से ये आपके धातुएं हो गई। अब आपको इसमें रिक्त स्थान है तो यहाँ रिक्त स्थान में जो शब्द भरना है बच्चों वो शब्द में यहाँ नीचे लिख रहा हूं तो आप चश्मे का नंबर
कितना भरना है? हर नंबर में, हर नंबर में भरना है, भरना है, और ग नंबर में भरना है, नंबर में गलत हो गया है, पांच नंबर में पर्वता नाम दृश्यम मनोहरम, ये मनोहरम है। आशुतोष और ग नंबर में भरना है कैमरा क्यों बंद किया था? भरना है। मैंने तो बहुत लोगों को क्लास में किसी को कोई बोल नहीं रही, तो मैं क्या करूं? अभी पढ़ लो फिर बाद में। वर्षा और धार के बाद अंगा, तुमको पता चल अंगा में भरना है। कुर्वंती कुर्वंती और क्या में भरना है? श्याम। अच्छा है। अगली क्लास पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ूंगा। तुम पढ़ोगे? अरे अपनी क्लास में लोग नहीं पता चला कि हमारी क्लास चल रही है। बच्चों आवाज इतना ही और आवाज आती है? यस सर आ रही है। हम आवाज आ रही है? यस सर। बीच में नहीं आ रही थी क्या? आ रही थी सर। आ रही थी? अच्छा। यस सर। ठीक है। तो ये आप जो है लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ जो भरवाया गया है उसमें से ये शब्द भर लिख दिए गए हैं। आप अपने उसमें रिक्त स्थान में भर सकते हैं। का नंबर में भर से खंड ऋतवा भवंती, वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। खा नंबर में पर्वता नाम दृश्यम मनोहरम भवती, पर्वतों में क्षेत्रों में मान खेतों में दृश्य कैसा हो जाता है? सुंदर हो जाता है।
बने मयूरा नृत्यंती जंगल में मोर नाचते हैं और घर नंबर में वर्षा सर्वस्मयी रोज से वर्षा भरना है। अंगा नंबर में मंडूका शब्दम कुर्वंती है, शब्द करते हैं एक तरह से गाते हैं मेढक मिलकर के इकट्ठा एक शब्द एक साथ बोलते हैं शब्दम कुर्वंती। आकाशे आकाश में श्याम भरना है श्याम मेघा और नद्या में बेगैन भरना है बेगैन बहंती और फलानी में भरना है स्वादून जम्बू फलानी स्वादून स्वादून भवंती। इस तरह से बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर खाली स्थान आगे दिए गए हैं ऋतु शब्द के शब्दार्थ दिए गए हैं शब्द रूप आपको ये पुस्तक से देख के लिख लेना है और इसी प्रकार से रूप जो चलेंगे जैसे ऋतु शब्द के दिए गए हैं इसी तरह से सूर्य के चलेंगे भान के और इसी तरह शिशु के गुरु के पशु के इंद्र के तरु के जैसे ये रूप ऋतु के दिए गए उसी तरह से ये शब्द रूप चलते हैं। इनको यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यदि कोई आवश्यक नहीं है। निर्देशानुसार रूप लिखिए। फिर अगला प्रश्न है निर्देशानुसार रूप लिखिए। शिशु शब्द का प्रथम पुरुष शिशु शब्द प्रथमा बहुवचन में लिखना है तो हो जाएगा शिशवा। गुरु शब्द का तृतीया एक वचन तो हो जाएगा गुरुना गुरुना हो जाएगा। इंदु शब्द का षष्ठी द्विवचन इंदुरो और षष्ठी द्विवचन में इंदवो हो जाएगा और फिर इंदु के बाद तरु है तरु शब्द का चतुर्थी एक वचन तो हो जाएगा तरवे और पशु का है पशु द्वितीय द्विवचन ऋतु शब्द का है सप्तमी एक वचन ऋतु और भानु का तृतीय बहुवचन भानु भी। इस तरह से बच्चों ये आपके निर्देशानुसार शब्द के रूप में जो दिया गया है वो लिखना है। यहाँ आपका ये पाठ पूर्ण होता है और इसमें जो आपका यदि छूट गया हो तो आप पुस्तक से देख करके एक बार और मैं बता रहा हूँ। यहाँ हिंदी के अनुवाद से वर्षे खड ऋतुआ भवंतु भवंती वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। आकाशे श्याम मेघा गर्जन्ति आकाश में काले बादल गरजते हैं नदियां बेगैन बहती नदियां तेजी से बहती हैं और वर्षा जनान पीड़िती वर्षा मनुष्यों को प्रसन्न करती है या सुख देने वाली होती है। दूसरे नंबर में मेढक का नंबर मेढक आवाज करते हैं मंडूका शब्दम कुर्वंती और खा नंबर में खेतों का दृश्य सुंदर होता है तो क्षेत्राणाम दृश्यम सुंदरम भवती या मनोहरम भवती। वर्षा में नदियां बहती हैं वर्षायाम नद्या बहंती और श्रावण के में वर्षा होती है श्रावण मासे वर्षा भवती मोर नाचते हैं मयूरा नृत्यंती। इस तरह से बच्चों ये आपका यहाँ अनुवाद हो गए और शब्दार्थ आपके सामने ये जोड़ी मिलाना लिखा हुआ है इसी तरह से उसके वाक्य बना लेना है जो जिसके साथ तीर के निशान में जुड़ा हुआ है और विभक्ति बता दिया है। लगभग पाठ पूर्ण हो गया है। अब आपको अगले टर्न में आपको फिर अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते। सर स्कूल कब से खुलेंगे? ठीक है स्कूल कब से खुल रहे हैं सर जी? स्कूल कब से खुल रहे हैं? स्कूल 1 अप्रैल से खुलना है। 1 अप्रैल से?
अप्रैल में खोलना है, 1 अप्रैल से। यस सर। और हो सकता है बीच में कोई आदेश आ जाए शासन का, तो अभी खोल सकते हैं मार्च में। यस सर, यस सर।